हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो है गाड़ी के स्टार्टिंग प्रॉब्लम के ऊपर। और इस गाड़ी में स्टार्टिंग प्रॉब्लम कुछ ऐसी थी कि इसकी वजह से इस स्टार्टिंग प्रॉब्लम के लिए स्टार्टर मोटर भी पूरा रिपेयर करा लिया गया, अल्टरनेटर भी रिपेयर करा लिया गया और साथ में बैटरी भी चेंज कर दी गई। इसके बाद भी इस गाड़ी की प्रॉब्लम शॉर्ट आउट नहीं हुई, गाड़ी की स्टार्टिंग में अभी तक प्रॉब्लम रही। एक्चुअल में क्या था, इस गाड़ी में जो प्रॉब्लम थी ना अल्टरनेटर की और ना ही सेल्फ स्टार्टर की और ना ही किसी बैटरी की प्रॉब्लम थी। इस गाड़ी के अंदर जो प्रॉब्लम थी वो थी करंट ड्रेन होने की प्रॉब्लम। और इस प्रॉब्लम को हमने कैसे शॉर्ट आउट किया और कैसे फाइंड किया इस प्रॉब्लम को, इस वीडियो में मैं आपको दिखाता हूँ, स्टेप टू स्टेप बताऊंगा। और एक बहुत आसान तरीका, जैसे हम खुद से भी अगर चाहें तो एक बार इस करंट लीकेज को चेक कर सकते हैं। अगर कभी आपको शक होता है कि आपकी गाड़ी खड़ी करते हैं और उसके बाद सुबह स्टार्ट करने में प्रॉब्लम आती है, लेट होती है या फिर बैटरी ड्रेन हो रही है, तो बैटरी अगर कहीं ड्रेन हो रही है तो कौन सा कंपोनेंट ऐसा है जो कि ड्रेन कर रहा है, इसको अलग अलग हमको फाइंड आउट करने के लिए एक छोटा सा स्टेप इसमें मैंने आपको बताया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो ये गाड़ी है हुंडई आई10 और ये काफ़ी दूर से मेरे पास आई है, मेरे एक फ्रेंड की गाड़ी है। तो सबसे पहले हमने इसको टेस्टिंग के लिए क्या तरीका निकाला, इसको हमने सीरीज में एक पार्किंग बल्ब का, यानी कि पार्किंग की जो लाइट होती है उस बल्ब से एक टेस्टिंग लैंप बनाया और उसका एक टर्मिनल हमने कनेक्ट किया इसके नेगेटिव पॉइंट पे और एक टर्मिनल इसका बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल पे। अब क्या होगा, जहाँ से भी करंट वापसी मिल रहा होगा हमको, वहाँ से हम ये लाइट जल जाएगी, ब्लिंक करेगी, तो हमको पता लग जाएगा कि ये करंट कहाँ से वापसी आ रहा है। तो इसके लिए अलग अलग कंपोनेंट्स हमको चेक करने हैं। तो इसके लिए सबसे पहला स्टेप होगा हमारे फ्यूज़ बॉक्स, और ये फ्यूज़ बॉक्स के बाद हम ये लाइटें भी चेक करेंगे जो कि डोर खुलने से जलती हैं, रूफ लैंप वगैरह, इसका भी एक इंडिकेशन रिटर्न आ सकता है। और जो फ्यूज़ बॉक्स है उसके कवर के ऊपर सारे कंपोनेंट्स के नाम लिखे होते हैं कि कौन सा फ्यूज़ किस कंपोनेंट का है। एक एक करके हम उस फ्यूज़ को निकालेंगे और फिर अपनी लैंप को देखेंगे कि लैंप की क्या पोजीशन है, लैंप कितनी तेज़ जल रही है, कितनी कम हो रही है या फिर पूरी बुझ जाती है। तो एक एक करके यहाँ से अभी हमने मेन फ्यूज़ चेक कर रहे हैं, सारे फ्यूज़ निकालेंगे, यानी एक करके निकालेंगे, फिर दूसरा लगा देंगे, फिर दूसरा निकालेंगे, फिर दूसरा लगा देंगे। तो इस तरह से हमको एक प्रॉब्लम फाइंड आउट हो जाएगी कि किस डायग्राम यानी किस कनेक्शन के अंदर ये फॉल्ट है, किसी ना किसी एक कनेक्शन के अंदर फॉल्ट है। इसके लिए पूरी वायरिंग तो हम इसको निकाल नहीं सकते, जो हार्डनेस है पूरी निकालना बहुत ही डिफिकल्ट है। तो इसके लिए हम एक एक करके निकालेंगे और कहाँ पे अंदर कटा हुआ है ये भी ऐसे विजुअली ढूंढना उसको बहुत मुश्किल है। तो इसके लिए तरीका इसका यही है कि हम इस लैंप को लगा के और एक एक करके फ्यूज़ इसके निकालेंगे। फ्यूज़ एक एक जब निकालते रहेंगे और हमको लैंप के इंडिकेशन से पता लगता रहेगा कि ये जो लीकेज है करंट की, ये लीकेज यहाँ से है या फिर कहीं और से है। तो ये फ्यूज़ बॉक्स हमने चेक किया, हमको यहाँ से अभी कुछ नहीं फाइंड आउट हुआ। अभी हम चलेंगे नीचे अंदर वाले फ्यूज़ बॉक्स में, वहाँ भी देखते हैं। और ये सारे जो लिखे रहते हैं यहाँ पे आप देख सकते हैं कौन सी चीज़ का कौन सा फ्यूज़ है, तो इससे ये फ्यूज़ हम लोग डायग्नोस कर सकते हैं। अभी नीचे आए हम लोग और नीचे के फ्यूज़ बॉक्स वगैरह, इसके हार्डनेस जो है, हार्डनेस में काफ़ी प्रॉब्लम है, यानी कि कटी हुई है जगह जगह से। और इसका मेन जो रीज़न है वो यही है कि इसमें आफ्टर मार्केट चीज़ें फिट की गई हैं और निकाली गई हैं। ये गाड़ी इन्होंने ली थी सेकेंड हैंड, और सेकेंड हैंड लेने में फिर मालूम नहीं होता है क्या क्या किसने लगाया था, कैसा था, काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं। तो एक जब भी हमने फ्यूज़ टेस्ट किया तो हमको एक प्रॉब्लम मिली म्यूज़िक सिस्टम के अंदर। तो इसके लिए हमने म्यूज़िक सिस्टम का ये सेटअप खोल रहे हैं और म्यूज़िक सिस्टम के जो कनेक्टर्स हैं, ये कनेक्टर्स कभी कट किए गए हैं, यानी कि यहाँ से काट के किसी और जगह सप्लाई कभी दी गई है, ये वायर अलग से जोड़ रखी है इसमें। तो हो सकता है कि प्रॉब्लम यहाँ से भी हो, और इसके पीछे जो एंटीने का वायर है, एंटीने का वायर भी यहाँ से थोड़ा सा डिस्टर्ब है। तो ये हमने चेक किया पहले, एक तो हमको इशू यहाँ पे मिला। अभी एक इशू और है, अभी यहाँ प्रॉब्लम शॉर्ट आउट नहीं हुई, हमको मिला यहाँ पे प्रॉब्लम लेकिन अभी भी लाइट हल्की आ रही है वहाँ पे। तो अभी पहले इसको हम शॉर्ट आउट करते हैं, पहले इसको टेप वगैरह कर देते हैं जहाँ से कि कटा हुआ था, और इसको अलग करके प्रॉपर तरीके से लगा देते हैं, और इसके बाद फिर हम देखेंगे कि दूसरा जो प्रॉब्लम है वो कहाँ है। तो कभी भी आप लोग जैसे बाहर से काम कराते हैं तो इसका चीज़ का ध्यान रखिए कि जो ओरिजिनल वायरिंग है उसको कट मत करवाइए, कोशिश कीजिए कि आफ्टर मार्केट चीज़ों को कम से कम फिट कराएं, क्योंकि ये आफ्टर मार्केट चीज़ें कभी कभी जाके हमको एक परेशानी दे सकती हैं। अब देखिए ये गाड़ी के अंदर ये फिटिंग कितनी परेशानी दे रही थी कि गाड़ी बेचने तक की नौबत आ गई थी। तो अभी ये देखते हैं हम लोग। और सेकंड देखिए, हमने यहाँ पे जो फ्यूज़ फाइंड आउट किया अंदर से, वो फ्यूज़ था रूफ लैम्प का, और वो रूफ लैम्प का फ्यूज़ देखिए इसमें जो दिया गया है 10 एम्पियर दिया गया है, लेकिन जो हमें एक्चुअल फ्यूज़ बॉक्स में लगा हुआ मिला वो हमें 30 एम्पियर का मिला। वो अभी मैं आपको दिखाता हूँ 30 एम्पियर का फ्यूज़, क्योंकि वो वहाँ से प्रॉब्लम थी। तो हमने लाइट वगैरह खोल दी रूफ लैम्प, और ये देखिए यहाँ पे 30 एम्पियर का फ्यूज़, ये फ्यूज़ जब हमने निकाला तो लाइट ऑफ हुई, और जब हम इसको लगाते हैं यानी पूरी ऑफ हो गई थी, और जब हमने इसको लगाया तो ये यहाँ पे लाइट ब्लिंक करने लगी, यानी कि जल गई। तो ये लाइट जलने लगी, इसका मतलब ये लास्ट फॉल्ट जो है वो यहीं से है, रूफ लैम्प
और म्यूजिक सिस्टम, और ये दोनों फ्यूज़ देखिए आसपास ही हैं, दोनों फ्यूज़ एक ही पास हैं और ये 10 एम्पियर के होने चाहिए। ये देखिए एक 10 एम्पियर का और एक 15 एम्पियर का, लेकिन ये यहाँ पे लगाए गए हैं 30 एम्पियर के। यानी कि पहले प्रॉब्लम हुई होगी, फ्यूज़ उड़ा होगा, लेकिन फ्यूज़ बढ़ा दिया गया, उसके साइज़ को यानी कि उसकी कैपेसिटी को बढ़ा दिया, 30 एम्पियर लगा दिया। और ये देखिए जब हमने रूफ लैंप खोला तो रूफ लैंप के पास यहाँ से हमको ये प्रॉब्लम मिली, और साथ ही यहाँ पे म्यूज़िक सिस्टम के एंटीने का भी कनेक्शन है। तो जो मेन प्रॉब्लम थी म्यूज़िक सिस्टम और रूफ लैंप की, दोनों फ्यूज़ भी साथ साथ हैं और ये प्रॉब्लम भी यही थी। तो ये प्रॉब्लम हमने हटाने के बाद, यानी कि इसको जब हमने हटाया तो पूरा एक्यूरेट सारा सिस्टम सही हो गया और करंट वापस नहीं आया। तो अब हम इसके करेंगे फिटिंग। जो जो चीज़ें हमने खोली थी, गियर लीवर वगैरह खोला था वायरिंग ढूंढने के लिए, म्यूज़िक सिस्टम हटाया था, काफ़ी सारी चीज़ें हमको हटानी पड़ी थी, तो वो सारी चीज़ों को फिट करेंगे और फिट करके प्रॉपर फिर ये गाड़ी स्टार्ट हो जाएगी। यानी कि अब इसमें बैटरी वगैरह की कोई भी प्रॉब्लम नहीं रहेगी। तो फ्रेंड्स, वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो लाइक कीजिए, वीडियो लाइक करते हैं तो हमारा हौसला बढ़ता है और ऐसी अच्छी अच्छी वीडियोज़ मैं आपके लिए लेकर आता रहता हूँ। तो मिलते हैं इसी के साथ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।